मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के कुछ ही देर बाद निधन। सर गुरुदास महाविद्यालय में था शो। 53 साल की केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार उन्नाथ, केरल के त्रिशूर के रहने वाले थे। लास्ट कॉन्सर्ट के वीडियो में केके परफॉर्मेंस के दौरान दिखे थे बेचैन, कई बार पसीना पोंछते दिखाई दिए। कॉन्सर्ट से होटल पहुंचते केके की बिगड़ी तबियत, चक्कर खाकर गिरने के बाद निजी अस्पताल में ले जाए गए। रात 10 बजे डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित, कोलकाता में शोक की लहर। डॉक्टर्स के मुताबिक शुरुआती जांच में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, आज होगा पोस्टमार्टम। पुलिस के मुताबिक चेहरे और सिर पर हैं चोट के निशान, एसएसकेएम अस्पताल में हुआ है पोस्टमार्टम। कोलकाता पुलिस ने दर्ज किया मामला, असामान्य मौत का केस। पुलिस के मुताबिक होटल के कर्मचारियों से होगी पूछताछ, आयोजकों से भी होंगे सवाल। कोलकाता के ग्रैंड होटल में रुके थे केके, यहीं आने के बाद बिगड़ी है तबियत। कार्यक्रम में शामिल लोग निधन की खबर से सदमे में, कहा सबसे प्यार से मिले थे केके। कार्यक्रम में जुटे थे हजारों लोग, केके ने एक के बाद एक कई फरमाइशी गाने गाए। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, कहा नहीं चल रहा था एसी। केके के परिवार में पत्नी और दो बेटे आज पहुंच रहे हैं कोलकाता। मुंबई के वर्सोवा में रहते थे केके, बॉलीवुड में शोक की लहर। पीएम मोदी ने निधन पर जताया शोक, लिखा गानों के जरिए हमेशा याद रहेंगे, हर उम्र में लोकप्रिय। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बेहद प्रतिभाशाली गायक, संगीत जगत को बड़ा नुकसान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ट्वीट, संगीत के लिए रहेंगे याद, आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा केके के अचानक निधन से हम सभी दुखी, परिवार के साथ संवेदना, सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार। राहुल गांधी ने कहा कई यादगार गानों का योगदान, निधन की खबर बेहद दुखी करने वाली। केके के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर, टीएमसी सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो, संगीतकार जीत गांगुली, बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास पहुंचे अस्पताल। कुछ दिन पहले तक केके के गानों पर झूम रहे फैंस का अस्पताल के बाहर लगा जमावड़ा, बोले यकीन नहीं हो रहा कि केके हमारे बीच नहीं रहे। फिल्म हम दिल देखो के शर्म के गाने तड़प तड़प से दिल तड़प तड़प के इस दिल से गाने से मिली थी पहचान। ओम शांति ओम का आंखों में तेरी गजब अजब सी अदाएं, जैसे गानों को दी मखमली आवाज। 200 से ज्यादा गाए हिंदी गाने, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्मों के गाने गाकर कई सालों तक केके ने बिखेरा जलवा। कॉन्सर्ट के लिए 2 दिन के लिए कोलकाता आए थे केके, सोमवार को विवेकानंद कॉलेज में किया था परफॉर्म, मंगलवार को था केके का दूसरा और आखिरी कॉन्सर्ट। केके ने गुलजार के लिखे गाने के साथ शुरू किया बॉलीवुड प्लेबैक का सफर, मार्चेस के लिए गाया था गाना। एक महीने ही गुलजार साहब के साथ हुई थी मुलाकात, शेरदिल फिल्म के गाने की हो रही थी रिकॉर्डिंग। फिल्म निर्माता करण जौहर ने लिखा दिल तोड़ देने वाली खबर, अचानक चले जाने का यकीन नहीं हो रहा है। बेहद जिंदा दिल इंसान थे केके, सोशल मीडिया पोस्ट पर कपिल शर्मा के शो की डाली थी तस्वीर। जीत गांगुली ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 2 दिन पहले केके से मेरी बात हुई थी, एक साथ लौटने वाले थे मुंबई। सिंगर उषा उत्थप पहुंची अस्पताल, केके के निधन पर जताया शोक, कहा अभी कुछ कहने की हालत में नहीं हूं। शंकर महादेवन ने लिखा केके के जाने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। अनुराधा पौडवाल ने केके के निधन पर जताया शोक, संगीत जगत को बड़ी क्षति बताया। बॉलीवुड के दिग्गजों ने जताया शोक, अक्षय कुमार ने लिखा केके के निधन की खबर दुखी करने वाली, किसी को केके के जाने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। प्रीतम ने किया ट्वीट, कोई कह दे कि ये सच नहीं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी को लेकर सुनवाई, वकील एनकाउंटर के डर से लगाई अर्जी, पंजाब पुलिस को नहीं सौंपने की मांग। सिद्धू मूसेवाला केस के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पर कसा शिकंजा, कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर को 5 दिन की कस्टडी में लिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से पहले का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कह रहे थे उन्हें कुछ लोग फोन पर डराते हैं पर वो डरने वाले नहीं है। ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने मूसेवाला मर्डर केस में नाम घसीटे जाने के बाद दी सफाई, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जताई संवेदना। मूसेवाला की हत्या में पहली गिरफ्तारी, पंजाब पुलिस ने मनप्रीत सिंह को उत्तराखंड से किया अरेस्ट, जांच के लिए भगवंत मान ने एसआईटी का किया गठन।
कल सिद्धू मूसेवाला की हत्या का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हत्यारों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। सफेद रंग की कार में सवार थे हमलावर। पंचतत्व में विलीन हुआ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर। मानसा में पैतृक गांव के खेत में हुआ अंतिम संस्कार। ट्रैक्टर से निकाली गई सिद्धू की अंतिम यात्रा। समर्थकों ने लगाए नारे। लुधियाना में गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में मूसेवाला को दी गई श्रद्धांजलि। सिद्धू ने यहीं से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। गुजरात के भावनगर में हादसा, ट्रक और कार के बीच टक्कर। कार में सवार लोगों की मौत, चार की गई जान। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा, टायर फटने के बाद ट्रक में लगी आग। हापुड़ में मंदिर के अतिक्रमण पर कार्रवाई, परिसर में बने कमरे और दुकान गिराए गए। बुलडोजर की कार्रवाई से 20 लोगों को का परिवार बेघर, 50 साल से था अवैध कब्जा। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, रामलला के गर्भगृह के निर्माण का करेंगे शुभारंभ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद। हनुमान जन्म स्थान को लेकर नासिक में संतों के बीच मारपीट, रिपोर्टर का माइक छीनकर एक दूसरे पर हमला। धर्म संसद में तय नहीं हो सका कहां जन्मे थे बजरंगबली। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान, कई राज्यों के नेताओं ने बाहरी नेताओं पर उठाए सवाल। अपनी पार्टी पर बिखरे कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा मैं कुछ ऐसे नेताओं को जानता हूं जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस ने चार मीनार में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की मंजूरी मिलने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान के जरिए मांगा समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर ईडी का शिकंजा, 9 जून तक कोर्ट ने सत्येन जैन को कस्टडी में भेजा। सत्येन जैन के मामले में अरविंद केजरीवाल ने कहा सभी मामले हैं फर्जी। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम देश के साथ नहीं कर सकते गद्दारी। वाराणसी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का सर्वे कॉपी वाला लिफाफा लेने से किया इनकार, वीडियो लीक होने के चलते अदालत पहुंची थी महिलाएं। वीडियो लीक मामले में 4 जुलाई को अदालत करेगी जिला अदालत में सुनवाई, दोनों पक्षों ने की थी कार्रवाई की अपील।